जय हिंद साथियों, सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बहुत ही नया वाला बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जहाँ से आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की कर रहे हो, चाहे SSC की कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, ओवरऑल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, XYZ, जहां पर GK आता है, जहां पर इंडिया ज्योग्राफी आता है, जहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, हर हाल में उस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। ठीक है, मैं आज आपको इस मानचित्र के माध्यम से एक पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आप जो कंफ्यूज होते हो वो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स का यूज करूंगा कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ कौन कौन से, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से, नेपाल और भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो ये तमाम क्वेश्चन है, इसके अलावा भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य कहलाते हैं, आपके इस तरीके के जितने भी तमाम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो आप जाहिर सी बात है इनमें हम हर कोई कंफ्यूज हो जाता है और आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सरकारी नौकरी का जो मौका है वो छूट जाता है। अब नहीं होगा यहां से एक भी क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैं बहुत गजब गजब की ट्रिक के साथ आपका ये जो कॉन्सेप्ट है उसको 100% खत्म करने वाला हूं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो की। यदि आप इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट GK पढ़ना चाहते हो तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है और उससे आप अपडेट रहना चाहते हो तो भी प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो, सबसे पहले ये भारत का मानचित्र है, मेरे द्वारा हाथ से बनाया हुआ भारत का मानचित्र है। इसमें मैं एक बार मोटे मोटे तौर पर जो ये जितने भी राज्य हैं उनकी लोकेशन आपको मैं याद करवा देता हूं। देखो, याद करने का मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, बाकी जब आप ये कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाते हैं ये याद कर लोगे ना, उसके बाद इसकी जो लोकेशन है ना कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, जैसे अभी मैंने पूछा मध्य प्रदेश का है, तो आपके ऐसा हो जाता है मध्य प्रदेश कहाँ पर होगा भाई, छत्तीसगढ़ के साइड में है, कर्नाटक के साइड में है, कहाँ पर है, प्रॉपर वे में लोकेशन याद नहीं रह पाती। तो यहां पर मैं अब आपका जो ये कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से देशों के साथ सीमा टच होती है और वहां कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। और जब हमें ये चीज पता चल जाएगी, जैसे हमें पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ चार राज्य सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, तो फिर किसी ने पूछ लिया पंजाब का है, तो हमें डायरेक्ट हो जाएगा यार पाकिस्तान पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है भारत के, तो पश्चिम साइड में ही होगा, उत्तर पश्चिम साइड में होगा पंजाब, फिर आपकी लोकेशन इस वाले एरिया में नहीं जाएगी। ठीक है, तुरंत आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेगी। तो अब हम एक एक करके बहुत गजब तरीके से मैं ट्रिक को आपके सामने रखता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं म्यांमार की। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है और ये भारत का पूर्वी भाग है। ठीक है, यहां पर ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये वाला सारा एरिया कौन सा कवर करता है, म्यांमार कवर करता है। ठीक है, यहां तक का एरिया म्यांमार की सीमा से टच करता है। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है उसकी मैं एक ट्रिक बनाया हूं जिसका नाम है अरुणा मामी। ठीक है, आपको एक शब्द याद रखना है, अरुणा मामी। क्या? अरुणा मामी। अब ध्यान से सुनो, अरुणा, अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ना का मतलब, इस ना का मतलब क्या है, नागालैंड। क्या है? नागालैंड। ना का मतलब नागालैंड। मा, अरुणा मामी, मामी में मा, मा का मतलब क्या है, मिजोरम, मणिपुर। मा का मतलब है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। और मी, मी, मी का मतलब है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मी का मतलब क्या है? मिजोरम। तो अब आपको याद हो गया होगा, आपसे कोई पूछे कि अरुणाचल प्रदेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपको एक शब्द याद रखना है, अरुणा मामी। अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणा ना, आपको वैसा ना लिखना है, ना नहीं लिखना, आपको ना लिखना है यहाँ पर। ना का मतलब नागालैंड, मा का मतलब
मणिपुर और मी का मतलब मा, मी, मा का मतलब मणिपुर और मी का मतलब मिजोरम। तो ये चार राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार अरुणामामी, म्यांमार अरुणामामी, म्यांमार अरुणामामी, ठीक है। तो आपको अरुणामामी याद हो गई होगी, जैसे आपको अरुणामामी याद हुई तुरंत आपको म्यांमार याद आ गया होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे भूटान की ओर। देखो सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखनी है, हम कंफ्यूज होते हैं नेपाल और भूटान में। कई बार हम नेपाल को यहां समझ लेते हैं, भूटान को यहां समझ लेते हैं, इन दोनों की लोकेशन भी हमारा जो दिमाग है वो सही ढंग से ट्रेस नहीं कर पाता। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा ना कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भूटान, भूटान है हमारा यहां पर, ठीक है, ये हमारा भूटान है, ये हमारा भूटान है पूरा पूरा, ठीक है। यहां पर क्या है, हिमालय पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत है। और ये हमारा भूटान है, भूटान के इस साइड क्या है, नेपाल है, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा भूटान है, ये नीचे भारत है, ये ऊपर हिमालय पर्वत है जहां पर चाइना आ जाता है। अब मैं बात करता हूं भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक शब्द याद रखना है, साब, एस ए ए बी, भूटान के साथ क्या है, साब, साब, एस ए ए बी। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सिक्किम, क्या है, सिक्किम। ए का मतलब है आसाम, ए का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और बी का मतलब है बंगाल। हो गया होगा याद, भूटान, भूटान के साथ हमें याद रखना है साब, भूटान साब, भूटान साब। एस का मतलब सिक्किम, सिक्किम कहां पर है, भूटान के जस्ट साइड में सिक्किम, यहां पर सिक्किम है, कौन है, सिक्किम है। फिर यहां पर ये रहा भूटान के साथ सीमा कौन बना रहा है, आसाम, एस ए आसाम। फिर दूसरा ए, दूसरा ए में कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा बना रहा अरुणाचल प्रदेश। और फिर एक आ जाता है कौन, बंगाल, जो हमारा बंगाल ये सीमा बना रहा, ठीक है, ये हमारा बंगाल ये सीमा बना रहा। तो भूटान के साथ सीमा कौन कौन बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं साब, कौन, साब, एस का मतलब सिक्किम, ए का मतलब आसाम, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और बी का मतलब बंगाल। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिहार को मत याद कर लेना, बी का मतलब बिहार नहीं है, ध्यान रखना, बी का मतलब बंगाल है, क्योंकि बंगाल क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे तक लगातार फैला हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, बंगाल है ना जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहुत लंबे आकार में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर बी का मतलब बंगाल होगा, बी का मतलब बिहार मत याद कर लेना, बिहार का भूटान से कोई लेना देना नहीं है टच करने में, ठीक है। तो ये आपको भूटान का मामला याद हो गया होगा, डबल ए है यहाँ पर, किसी तरीके का कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश, ए से एक आंध्र प्रदेश और बनता है, लेकिन वो नीचे, हमें इतना सा तो पता है कि आंध्र प्रदेश की लोकेशन नीचे है, ऊपर तो ए नाम से दो शब्द हैं, ए का मतलब आसाम और ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और दोनों भूटान से सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि भूटान कौन सी साइड है, पूर्व की साइड में, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश आसाम से सीमा बना रहा है, ठीक है। नेपाल कौन सी साइड है, भूटान के पश्चिम में। तो ये आपको याद हो गया होगा भूटान के बारे में। तो भाई साहब म्यांमार का मतलब कौन है, अरुणामामी, और भूटान का मतलब है साब, एस का मतलब सिक्किम, ए का मतलब आसाम, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और बी का मतलब बंगाल। अब हम बात करते हैं नेपाल। देखो नेपाल आपको पता हो गया होगा कहां पर है, भूटान के पश्चिमी भाग में, क्या है, भूटान के पश्चिम की साइड कौन है, नेपाल, हमारा नेपाल ये रहा। अरे नेपाल के पूर्व में कौन है, नेपाल के पूर्व में है भूटान, नेपाल के उत्तर में कौन है, हिमालय पर्वत या फिर चाइना, और भाई साहब नेपाल के पश्चिम में कौन है, भारत, और नेपाल के दक्षिण में कौन है, भारत, ठीक है। तो नेपाल की लोकेशन, नेपाल के पूर्व में भूटान है, उत्तर में हिमालय या चाइना बोल सकते हैं, और पूर्व में, सॉरी पश्चिम में कौन है, भारत है, और दक्षिण में भारत है।
अब मैं नेपाल की साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं इसका मैं आपको जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर देता हूं। देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उत्तर सीखंड बी बंगू, थोड़ी सी अटपटी है, उत्तर सीखंड बी बंगू ठीक है, थोड़ी सी अटपटी है लेकिन इसको आसानी से याद कर सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। क्या? उत्तर सी खंड बी बंगू। भूटान, सॉरी नेपाल, नेपाल के साथ भूटान के साथ साब शब्द है, भूटान के साथ साब शब्द है, जबकि नेपाल के साथ उत्तर सी खंड बी बंगू। अब उत्तर, सबसे पहले हम आते हैं उत्तर पर। अरे मेरे प्यारे साथियों, उत्तर का मतलब कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। सी का मतलब है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। खंड का मतलब है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। बी का मतलब है बिहार। कौन है? बिहार। और बंगू का मतलब है बंगाल। कौन है? बंगाल। अब देखो भाई साहब, याद हो गया होगा आपको भी, अरे नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं उसकी ट्रिक है उत्तर सी खंड बी बंगू। क्या है? उत्तर सी खंड बी बंगू। अरे उत्तर का मतलब है उत्तर प्रदेश, सी का मतलब है सिक्किम, खंड का मतलब है उत्तराखंड, और बी का मतलब है बिहार, और बंगू का मतलब है बंगाल। ठीक है, भूटान के साथ कौन कौन से मिला रहे थे? साब, एस का मतलब सिक्किम था, ए का मतलब आसाम था, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश था, और बी का मतलब बंगाल था, ना कि बिहार। जबकि नेपाल के साथ करता है उत्तर सी खंड बी बंगू, बंगू का मतलब बंगाल, बी का मतलब बिहार, खंड का मतलब उत्तराखंड, सी का मतलब सिक्किम, और उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यांमार, भूटान और नेपाल। अब हम आते हैं किसके ऊपर? चाइना पर। देखो चाइना की लोकेशन याद होगी आपको, चाइना यहां पर है हमारा। क्या है? चाइना यहां पर है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। कौन है? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या लगा के? तीर लगा के की, और इस साइड से भारत बैठा है कि आप भाई चाइना गोली से साफ कर दूंगा। ठीक है, तो चाइना के बारे में मैंने ट्रिक बनाई है बहुत शानदार वाली। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, चाइना यहां से और यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस बाउंड्री में जितने भी राज्य आएंगे ना, वो सारे के सारे किसको टच कर रहे हैं? चाइना को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब चाइना की ट्रिक सुन लो। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। क्या है? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ये किसकी ट्रिक है? चाइना को टच करने वाले भारत के राज्य। समझ गए होंगे भाई साहब यहाँ पर कौन क्या निभाने वाला है। जम्मू, जम्मू का मतलब है जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिपाही का मतलब है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इसके अलावा अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। हिमालय का मतलब है हिमाचल प्रदेश। उत्तरा का मतलब है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है, चाइना जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू जम्मू कश्मीर का सिपाही सिक्किम, अरुण अरुणाचल प्रदेश, हिमालय हिमाचल प्रदेश, पर उत्तरा उत्तराखंड। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। अरे मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश चाइना से किसी तरीके के लिंक नहीं रखता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन है? नेपाल और भूटान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हिमालय से
चाइना से टच नहीं करता, बल्कि किससे टच करता है, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है, कौन, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज यही करता है पेपर वाला, लिख देता है कि नेपाल भूटान से या फिर उत्तर प्रदेश से, निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता, ठीक है। इस तरीके से कैसे भी वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश किसी भी हाल में चाइना के साथ सीमा नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश नेपाल और भूटान दोनों के साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सीमा बनाता है, ठीक है। तो फिर से आपको याद हो गया होगा कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ठीक है। अब मैं आपको बीच में एक क्वेश्चन देता हूं, बताओ भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको वैसे काउंट नहीं करना है मानचित्र में देख के, टीपना भी नहीं है, आपको ट्रिक याद करनी है। क्या करनी है, ट्रिक याद करनी है, इसीलिए मैंने ये बीच में पूछा है। मैं साथ के साथ भी लिख देता, जैसे मैंने सबसे पहले म्यांमार के लिए लिखा था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक बार फिर से आप ट्रिक को याद करोगे, ठीक है। हमें बाद में याद नहीं करना, हमें अभी ही याद करके खत्म करना है ये काम, ठीक है। ये काम, यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब बचा कौन भाई साहब, हमारा पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा शत्रु, ठीक है, कौन, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान देखो भाई साहब, पाकिस्तान यहां से लेकर जम्मू कश्मीर की चोटी से लेकर और नीचे तक गुजरात पानी की सीमा तक फैला हुआ है, क्योंकि इसके नीचे क्या हो जाता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है, अरब सागर स्टार्ट हो जाता है। ये जो बाउंड्री है ना गुजरात की, कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र, इसके दक्षिण में क्या है, अरब सागर, ये पूरा का पूरा अरब सागर है। तो यहां से लेकर और यहां तक इस पूरे एरिया में यहां पर कौन है, पाकिस्तान है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया इस तरीके से पाकिस्तान को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं ट्रिक कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में पंगू राज है, पाकिस्तान में पंगू राज है, ठीक है, पाकिस्तान में पंगू राज है, समझ गए होंगे। अरे राजस्थान में पै का मतलब क्या है बताओ, राजस्थान में पंगू, पै का मतलब पंजाब, गू का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान, और भाई साहब जय का मतलब कौन बताओ, जय का मतलब जम्मू कश्मीर, कौन, जम्मू कश्मीर। तो ये राज्य है चार जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन पाकिस्तान में पंगू राज है। भाई साहब पाकिस्तान देख लो आप, बुरा हाल हो रहा है वहां पर, तो पाकिस्तान में बुरा हाल क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर पंगू राज है। क्या है, पंगू राज है। तो पंगू, पै का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान, और जय का मतलब जम्मू कश्मीर। ये चार राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। अब भाई लोगों, बांग्लादेश सबसे पहले तो ये बताओ है कहां पर, कहां पर छुपा हुआ है बांग्लादेश। तो देखो यहां पर ये बिल्कुल ये वाला जो एरिया है ना, ये किसका है, बांग्लादेश का। यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है नीचे की साइड, यहां पर ये पूरा पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी का है, और यहां बीच में कौन बैठा हुआ है, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की गोद में बैठा हुआ है छुपकर, क्या छुपकर, छोटा सा है, बच्चा सा, कोई चुरा ले जाए, इसलिए भारत माता की गोद में आके बैठ गया, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है, इसलिए भारत ने बोला आजा बांग्लादेश मेरी गोद में, तेरे को कहीं से कोई टच नहीं कर पाएगा। तो देख लो बांग्लादेश की किसी भी दूसरे देश के साथ लड़ाई नहीं है, इस साइड नेपाल भूटान सब चारों तरफ लड़ रहे हैं, कोई क्या लड़ रहा है, बांग्लादेश बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र होकर मस्त तरीके से बैठा है, कहां, भारत माँ की गोद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, ठीक है, बंगाल और आसाम के मेघों ने, ध्यान से सुनना, बंगाल
और आसाम, क्या आसाम, के मेघों ने, मेघों ने क्या किया, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में क्या किया, त्रिपुरा, त्रिपुरा में रम पिया, क्या किया, त्रिपुरा में रम पी, रम की बोतल पी, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ बैठा हुआ है, भारत माता की गोद में बैठा हुआ है। अरे बांग्लादेश की ट्रिक क्या है, बंगाल और आसाम के मेघों ने, किसने, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। बंगाल का मतलब है पश्चिमी बंगाल, आसाम का मतलब है आसाम, मेघो, मेघो का मतलब है मेघालय, जो यहां पर छुप के बैठा हुआ है छोटा सा मेघालय, देखो ठीक है, ये है मेघालय। त्रिपुरा, त्रिपुरा यहां पर रहा त्रिपुरा। और रम, रम का मतलब है मिजोरम, देखो मिजोरम, मिजोरम लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, मिजोरम, ठीक है। तो हमने ये पीछे पीछे का जो रम शब्द है ना वो हटा लिया, और रम पीने के बाद वैसे ही मजा आता है, क्या आता है, वैसे ही मजा आता है। तो हमने मिजो को हटा दिया, अब भी मजा नहीं लेना है हमें, अब भी रम पीनी है, बाद में मजा लेंगे खूब जमकर, ठीक है। तो बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। बंगाल आसाम, मेघों का मतलब मेघालय, त्रिपुरा में रम, रम का मतलब मिजोरम। तो ये पांच राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ये ठीक है ना, हो गई होगी ना याद, ये जो भारत के सीमावर्ती जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो देश है, जैसे पाकिस्तान एक नंबर का क्या है, पाकिस्तान की ट्रिक क्या है बताओ, जल्दी बताओ, याद करो, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को रिमाइंड करना है अपने दिमाग में। और कौन कौन से राज्य हैं वो भी याद करो, पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, चाइना की याद करो, अब चाइना में मैंने क्या ट्रिक बताई थी, वहां पर किस शब्द के लिए कौन सा राज्य शामिल हो रहा है, फिर नेपाल को याद करो, फिर भूटान को याद करो, ठीक है। नेपाल भूटान में कंफ्यूज नहीं होना है, भूटान के पश्चिम में क्या है, नेपाल है, नेपाल के पूर्व में कौन है, भूटान है। फिर म्यांमार के लिए याद करो, और बीच में छुप कर बैठे हुए बांग्लादेश के बारे में याद करो, क्या पांच ट्रिक। तो कितने ट्रिक लिखवाई मैंने, एक पाकिस्तान की, दूसरी चाइना की, तीसरी नेपाल की, चौथी भूटान की, पांचवी म्यांमार की, और छठी बांग्लादेश की, टोटल मैंने छह ट्रिक लिखाई, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं ना तो भूलोगे, और यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, और सच ईमानदारी से बताना, यहां से आप कंफ्यूज भी होते थे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे कोई भी टॉपिक जहां पर आप कंफ्यूज होते हो और आप चाहते हो कि वहां पर ऐसी धमाकेदार कोई ट्रिक लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दो यार, ये चैनल है ना जीके का किंग बना देगा आपको, ट्रिक ट्रिक पढ़ा के, ठीक है ना, मैं ट्रिक उन्हीं चीजों की बढ़ा के लेके आऊंगा जो कंफ्यूज करते हैं आपको, ठीक है। और पेपर वाला पहले समझदार है बेटा, वो क्या करता है, वहीं से क्वेश्चन बनाता है जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, जो चीज हमें याद होती वो पेपर में कभी नहीं आती, जहां हम कंफ्यूज नहीं होते वो चीज कभी पेपर में नहीं आती, पेपर में क्या आता है, जो हमें याद नहीं होता जहां हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, ये पेपर वाले को पहले पता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय, लव यू।